फ्रेंड्स, ईश्वर के अलावा हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारी तकलीफ, हमारे आंसू कोई नहीं समझ सकता। इसलिए किसी से भी उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए और सिर्फ ईश्वर पर भरोसा रखिए। देखना आपके सारे काम कैसे बनते चले जाएंगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो मेरी कुर्ती आज मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है, ये हाँ मतलब कट स्लीव बनाई है, तो बताना ज़रूर कैसी लग रही है। और आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, अभी 12 बज गए हैं पूरे। आज इसके ना दांत में बहुत ज़्यादा दर्द रहा, अक्स के पूरी रात इसने परेशान किया है और सोया भी नहीं है ठीक से। रात को इसको दवाई देनी पड़ी थी, तो अभी मैं जा रही हूँ इसे डॉक्टर के पास लेके, क्योंकि आज की इनकी जो है छुट्टी हो गई है, मतलब पढ़ाई मारी गई है। और मैंने आज ये वाली कुर्ती पहननी, लग तो ठंडा रहा, जब से बारिश हुई है ना बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, धूप निकल रही है। दिन में तो मतलब चल जाता है, सुबह शाम नहीं चलता, तो अभी मैं चल रही हूँ। देख जूते पहन के चलेगा भाई, साफ कर ले बढ़िया से। तो चलिए चलते हैं, पहले इसके डॉक्टर के दिखाऊंगी, फिर बाकी का देखूंगी क्या करना कैसे करना। तो प्लीज़ आप लोग व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। चलो अब तो टाइम हो गया, तेरे पापा छोड़ कर आ जाएंगे ना हमें, तो हम फिर उधर से रिक्शे से आ जाएंगे, है ना अक्ष? इसने लगाई है सबसे ज़्यादा टाइम, ये जल्दी से तैयार नहीं होता लड़का, है ना? तो पापा भी 10 मिनट पहले तैयार हुआ। आगे दिखे, देखिए आगे क्या। फ्रेंड्स, लेके आ गई हूँ अक्स की दवाई, और आ गई थी मैं 1:45 बजे के करीब, कहीं और नहीं गई, कुछ और काम नहीं किया मैंने, बस इधर दवाई लेके आ गई हूँ। तो अभी मैं धोऊंगी कपड़े, क्योंकि मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और सुबह में टाइम नहीं लगता है कपड़े वगैरह धोने का। अब मैं कपड़े धोऊंगी। अभी देखिए बच्चे खा रहे हैं खाना, यहाँ पर इन्हें खाना दे दिया मैंने। देखिए फ्रेंड्स, कपड़े तो आपने देख ही लिए हैं, कितने सारे मेरे कपड़े हो रहे हैं, क्योंकि 3-4 दिन हो गया है मैं कपड़े नहीं धुल पाई हूँ। क्या है ना कि नवरात्र वगैरह चल रहे हैं और दोपहर तक तो हमारा घर का ही मतलब डेली यूज का, साफ सफाई का, पूरा मतलब घर का काम निबटता है। और दोपहर में अब मैं चली जाती हूँ मंदिर नवरात्रों में, क्योंकि थोड़ा सा भगवान का भी नाम अगर लिया जाए बीच बीच में तो मतलब अच्छा रहता है, तो 1-2 घंटे मेरे वहाँ पर भी लग जाते हैं। और फिर 5 बजे तक वहाँ से आते हैं, तो फिर से हमें टाइम इन सब चीज़ों का नहीं मिलता कपड़े वगैरह धुलने का। तो आज क्या हुआ ना, आज मैं कहीं नहीं गई थी, इसकी दवाई लेने गई थी। आज इन दोनों की भी छुट्टी लगवा दी है, क्योंकि फिर एक जाता एक नहीं जाता, तो ऐसे भी इन दोनों का मतलब ना तो स्कूल में मन लगता है और जो घर में रहता है ना ही उसका मन लगता है, तो इसलिए मैंने आज दोनों ही रोक लिए हैं। तो आज मैं इसको ले कर जाऊँगी, इसको ना कई दिन हो गया है दांत में दर्द बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। यहाँ से ही मैंने दवाई दिलवाई थी, लेकिन इसे कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा, और रात में इसने पूरी रात सोने नहीं दिया है ठीक से, मतलब सोया भी नहीं है, ये बेचैनी रही है, और दवाई भी मुझे रात में ही देनी पड़ी। एक खुराक तो रात को सुला के मतलब सुलाने के टाइम मैंने खिलाई थी, और फिर से रात में दोबारा से उठ के इसको दवाई देनी पड़ी। तो मैंने सोचा कि आज इसको लेके ही जाती हूँ, क्योंकि कई बार से ऐसा हो रहा है ना, रोज़ बोलते हैं ले जाएँगे, और जब इसे फ़ायदा हो जाता तो मैं वैसे नहीं जा पाती, और हस्बैंड का बिल्कुल भी टाइम नहीं है जाने का, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा काम रहता है उन्हें भी। तो आज मैंने इसीलिए इन दोनों की छुट्टी कर ली है, क्योंकि अगर दोपहर के बाद जाओ ना तो फिर डॉक्टर नहीं मिलते, 2 बजे तक सारे डॉक्टर उठ जाते हैं। तो मैंने सोचा आज लेके जाती हूँ इसकी दवाई लेकर आई। फिर वहाँ से आने के बाद आज मैंने माता रानी के मंदिर में जाना कर दिया है कैंसिल, क्योंकि कपड़ों से मशीन पूरी भर चुकी थी और इनकी ड्रेस वगैरह भी हो रही थी, तो वो भी मैंने धुल दी है सारी। मैंने सोचा आज मैं अपने काम फिनिश कर लेती हूँ और आज मंदिर में नहीं जाती, तो इसी वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाई, और बस मैंने लगा दी है आके अपनी मशीन, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर भी मुझे ज़्यादा ही टाइम देना पड़ेगा, और घर के काम भी देखो, सब चीज़ों के साथ साथ घर के काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बच्चों को खाना दे दिया है, इन लोगों ने खा लिया, और खाने में मैं बना के गई थी पनीर की सब्ज़ी और रोटियां हस्बैंड के लिए बना के रख के गई थी, जब वो ड्यूटी से आए तो खा के चले गए थे। और दोपहर में ना मुझे मतलब थोड़ा सा लेट भी हो गया था, तो डॉक्टर के वहाँ तक वही छोड़ के आए थे, और उधर से हम तीनों माँ बेटे आ गए थे रिक्शे से। तो बच्चों को खाना दे दिया, उधर लगा दी है मैंने मशीन, अब मैं अपने लिए रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भी भूख लग चुकी है।
और मेरे पूरे नवरात्रि फास्ट नहीं है, मैं पीछे वाले दो व्रत करूंगी क्योंकि मेरी चल रही है दवाई और मेरी दवाई मैं तोड़ नहीं सकती हूँ बीच में क्योंकि मुझे बीपी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, इसलिए तो मैं लास्ट के व्रत करूंगी। और अभी मैं खा लेती हूँ अपना खाना, पनीर की सब्जी बना के गई थी, आ जाइए आप लोग भी खाइए और फिर मैं लगूंगी मशीन में। उधर मैंने बीच बीच में मशीन को भी देखना है और इधर बच्चों को भी देखना है, इधर अपना खाना भी खा लूँगी। तो देखिए घर में लेडीज़ के ना चार हाथ पैर मतलब होते ही हैं, लेकिन हमें 10 करने पड़ते हैं तभी जाके हमारे पूरे काम फिनिश होते हैं। एक 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 साथ में कई कई काम हम लोग करते हैं तब जाके कहीं काम कंट्रोल में आता है। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर हो गया है मेरा खाना और मैं फिर से आ गई हूँ अपने काम पर, धुलने लगी हूँ कपड़े। तो जो मेरा एक राउंड धुल गया है ना कपड़ों का, उसको मैं निकालूंगी सबसे पहले मशीन में से और बस इसी तरह से धो लूँगी। और मशीन मैंने लगाई थी कोई 2 बजे के करीब, क्योंकि 2:45 तो मैं डॉक्टर के यहाँ से ही आई थी। और बच्चे उधर टीवी देखने में लगे हैं क्योंकि ये भी अपना बिजी रहते हैं दोपहर में और मैं भी बस ऐसे ही, तो मैंने सोचा चलो अपना काम फिनिश करते हैं। और फ्रेंड्स दिन भी थोड़ा सा छोटा सा होने लगा है तो पता ही नहीं चलता काम में कि पूरा दिन हमारा कहाँ गया। पूरा दिन हमारा काम करते करते घर में ही बिजी हो जाता है और घर के छोटे मोटे बड़े काम बस इतने हो जाते हैं ना कि कभी कभी कंट्रोल में भी नहीं आते। और अभी नवरात्रों में थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा बिजी वाला वो हो जाता है क्योंकि मंदिर वगैरह जाना पड़ता है और जिनके फास्ट हैं उनका भी मतलब बिजी रहता है, अब दो दो तरह का खाना बनाना होता है सभी को। तो बस दिन छोटे होने लगे हैं और उसी के हिसाब से हमें काम भी करने होते हैं, लेकिन काम कम नहीं होते, काम बढ़ जाते हैं लेकिन टाइम कम रह जाता है, पर उसी के अंदर हमें अपने सारे काम करने होते हैं। तो बस एक राउंड निकाल के मैं धुल लूँगी यहाँ पर कपड़े अपने, और सबसे पहले मैं बच्चों के मतलब ऐसे कपड़े धुलती हूँ, ड्रेस वगैरह और वो जो होते हैं वाइट कपड़े वगैरह जिनका कलर वगैरह ना निकले, तो बस सबसे पहले मैं ये धुलती हूँ। और मेरे वीडियो पे फ्रेंड्स बहुत सारे कमेंट आते हैं, जो मैंने वॉशिंग मशीन का वीडियो डाला था कि आपने मतलब पानी तो डाला नहीं, कपड़े तो मतलब ऐसे ही धुल दिए, सरफ का पानी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप मशीन में तेज़ प्रेशर से पानी चला के कपड़े डाल देंगे तो उसमें भी कपड़े बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। बाकी तो मैं इस तरह से ही ज़्यादा कपड़े धुलती हूँ, लेकिन कभी कभी मान लो हमें जल्दी है और हमें टाइम की बचत करनी है तो उस हिसाब से मैंने उस वीडियो में आपको कपड़े धोना बताया था। और ऐसा नहीं था कि उसमें सरफ रह गया, बिल्कुल भी सरफ नहीं रहता है फ्रेंड्स, बिल्कुल साफ पानी तब तक नहीं आता तब तक मैंने उसमें पानी चलाया था और बहुत अच्छे से हमारे कपड़े साफ़ होते हैं। देखिए ऐसा तो कोई नहीं है ना कि इतने सरफ में मतलब धुले हुए कपड़े खाली पहन लेगा बिना धुले पानी के, तो ऐसा नहीं था उसमें। लेकिन पूरा प्रोसेस मैंने नहीं दिखाया क्योंकि देखिए अगर मैं पूरा प्रोसेस कपड़े धोने का आपको दिखाती तो 1 घंटे का वीडियो हो जाता और इतना बड़ा वीडियो कौन देखता। तो मैंने कट कट करके दिखाया है और पूरा बताया भी है ठीक से, तो प्लीज़ आप लोग जाके एक बार उस वीडियो को ध्यान से देखना। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि सरफ का पानी। तो यहाँ पर मेरे कपड़े धुल गए हैं और मैं इन्हें सुखाने के लिए डाल दूँगी ड्रायर में। और मेरी मशीन का ड्रायर भी थोड़ा सा ना ख़राब हो रहा है, इसका जो ढक्कन है ना ये बड़ा मुझे मतलब बहुत ही अलग तरीके से लगाना पड़ता है, ये हस्बैंड ने पूरा तोड़ दिया है, इसको भी ठीक कराना पड़ेगा। तो बस इसको बहुत मतलब मुश्किल में जाकर लगता है, कई कई बार में इसको सेट करना पड़ता है तब जाके मशीन घूमती है, क्योंकि अगर ये वाला ढक्कन हमारा ठीक से नहीं लगेगा तो हमारी मशीन नहीं घूमेगी और कपड़े नहीं सूखेंगे। तो इसको मुझे टाइट से दबा के लगाना पड़ता है तब तक, मतलब कुछ सेकंड के लिए मुझे खड़े होना पड़ता है तब जाके इसको मैं हटाती हूँ। तो कपड़े मेरे सूख चुके थे, मैं आ गई हूँ छत में कपड़े डालने के लिए। और दिन में देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है चिलचिलाती, और सुबह शाम होने लगा है ठंडा, तो बस इसी की वजह से जो बीमारियां भी खूब ज़्यादा हो रही हैं घर में, बुखार इतना ज़्यादा चल रहा है सभी के घरों में। और अभी इस टाइम आंखें भी नहीं खुल रही थी मेरी कपड़े सुखाते हुए, बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही थी और सुबह शाम ठंड लगती है। अब तो सुबह को अगर जल्दी उठते हैं ना तो मन करता है ना मतलब शॉल वगैरह लेने का, लेकिन अभी मैंने तो कुछ भी नहीं निकाला हुआ है। आज मैंने ये वाली कुर्ती इसीलिए पहनी क्योंकि बस अच्छा हो रहा मौसम और हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है, मेरे कपड़े उड़ उड़ के जा रहे थे तो चिमटी लगाई हैं और मेरे याद ही नहीं थी कि मैंने नई चिमटियाँ मंगाई हैं, जो है मैंने बस उनसे ही पूर्ति की। तो कपड़े वगैरह धुल चुके थे यहाँ पे, बच गए थे कपड़े धोते धोते 3 घंटे मुझे मशीन में लग चुके फ्रेंड्स। 3 घंटे की मेहनत के बाद मेरे कपड़े फाइनली धुल चुके हैं और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू शाम की, क्योंकि अगर इस टाइम मैंने झाड़ू नहीं लगाई तो फिर दिन छिप जाएगा और मेरी झाड़ू लगानी रह जाएगी, और धूल इतनी ज़्यादा आती है कि नहीं लगाऊंगी तो फिर ऐसा लगता है कि घर में कितने दिन से हमारे साफ़ सफाई नहीं हुई है। उसके बाद मैं आ गई हूँ, दूध वगैरह लेने गई थी झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद, तो बस उस चाय वाय पी ली है हमने
और दूध लेके आई थी। अभी 7 बजे का कोई टाइम है तो मैं दूध गर्म करूँगी सबसे पहले, और उसके बाद जो बर्तन वगैरह ये सब फैले हुए से पड़े हैं इनको धोऊंगी, तो दूध भी गर्म होता रहेगा और किचन में मेरा काम भी होता रहेगा। तभी मैंने बोला ना कि एक एक साथ में कई कई काम करने पड़ते हैं, तब जाके हमारा काम जो है वश में आता है। तो इधर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया, और बर्तन जो धुले हुए थे उनको मैं लगा दूंगी उनकी जगह पर, और बाकी के जो गंदे बर्तन पड़े हुए हैं चाय के हैं और जो बच्चों ने बाद में खाना वगैरह खाया था वो हैं, तो उन सबको मैं इकट्ठे ही धुल लूँगी। क्योंकि देखिए अगर बार बार बर्तन धुलो, दो दो चार चार बच्चों वाले घर में बर्तन होते ही रहते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि बार बार धुलूँ, मैं 2 से 3 बार ही दिन में बर्तन धोती हूँ। तो बस अब मैं सारे चाय के इकट्ठे करूँगी ये वाले धुल के, और फिर जो खाने वगैरह के होंगे वो बाद में देखा जाएगा। तो बस जल्दी से धुल लेती हूँ कपड़े, और बच्चे भी अभी गए हैं खेलने के लिए, अभी तक नहीं आए हैं, और इस टाइम में बिल्कुल अकेली ही हो जाती हूँ। हस्बैंड भी कहीं ना कहीं चले जाते हैं और बच्चे भी मेरे खेलने चले जाते हैं, तो मेरा मन सा भी नहीं लगता। तो बस मैं अपने आप को काम में ही ज़्यादा बिजी रखती हूँ, और जब काम हो जाता है तो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगता। लेकिन बच्चे अभी आने वाले ही हैं, बस थोड़ा सा जब तक ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा तब तक बाहर खेलते हैं, फिर जब ज़्यादा ठंडा होने लगेगा फिर तो कोई नहीं निकलने दिया जाएगा, क्योंकि बस तबीयत ख़राब होने का डर जो रहता है। तो बस फ्रेंड्स धुल चुके हैं बर्तन, और हल्की सी क्लीनिंग भी कर देती हूँ स्लैब वगैरह की। जब भी बर्तन धोती हूँ चाहे स्लैब साफ हो या ना हो, क्लीनिंग ज़रूर से करती हूँ, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है हमने आधा अधूरा ही काम किया है। और इधर बातों ही बातों में देखिए बच्चे भी आ गए हैं खेल कर, और यहाँ पर भी खेल रहे हैं, अभी इनका मन नहीं भरा। क्या कर रहे हो? मुंह पे क्यों लगा रहा है फिर इसके? ओए गलत बात आ रहा हूँ। आ जा मेरे मुंह पे लगा के तो देखिए फ्रेंड्स कुछ ऐसा रहा मेरा दोपहर से, मतलब सुबह से और शाम तक का पूजा के टाइम तक का रूटीन। आपको कैसा लगा जरूर से बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग वीडियो पूरा देख लेते हो, ना ही लाइक करते हो ना ही सब्सक्राइब करते हो, तो फ्रेंड्स ये सब कुछ फ्री होता है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। और अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे शाम की दियावाती, क्योंकि माता की मतलब चौकी लगाई हुई है तो देर तक पूजा होती है, इसमें भी 10 मिनट कम से कम चला जाता है। तो बस अच्छी तरह से कर लूँगी पूजा, और आप लोग वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलूँगी जल्दी ही आपसे फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय माता दी।